बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ लेटेस्ट खबरें जानने का फटाफट अंदाज में। प्रभास की फिल्म साहू ने रिलीज से पहले ही कई रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। खबरों की माने तो फिल्म को रिलीज के लिए टोटल 10,000 स्क्रीन्स मिली हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिल्म पहले ही दिन 70 करोड़ का बिजनेस इंडिया भर में कर सकती है, क्योंकि फिल्म का क्रेज देखते ही बन रहा है। बता दें कि फिल्म इसी शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस अपने दोनों भाइयों के साथ एक म्यूजिक अवार्ड में पहुंचे, जहां जोनस ब्रदर्स को अवार्ड भी मिला। इस मौके पर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ मौजूद थे, लेकिन निक अकेले ही खड़े थे। उनकी तस्वीर लीक होने के बाद फैंस ने कहा कि प्रियंका नहीं है। इस पर प्रियंका ने अब अपने पति के साथ अपनी एक तस्वीर एडिट करके उसी तस्वीर के साथ पोस्ट कर दी है, जिसके बाद वो ट्रोल हो गई है। अनन्या पांडे ने ईशान खट्टर के साथ अपनी नई फिल्म साइन कर ली है, जिसका पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसमें अनन्या और ईशान रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं। फिल्म का नाम खाली पीली रखा गया है। फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होगी। करण आदर्श ने ट्वीट करते हुए फिल्म की जानकारी दी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 में अक्षय कुमार भी कैमियो रोल करने वाले थे, लेकिन अब ताजा खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने फिल्म में कैमियो रोल करने से इनकार कर दिया है। अक्षय कुमार अपने बिजी शेड्यूल के चलते इस फिल्म को नहीं कर पाएंगे। अक्षय कुमार इस समय अपनी अपकमिंग फिल्मों में काफी बिजी हैं। अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा की फिल्म सेक्शन 375 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन पुणे के रहने वाले एक वकील को फिल्म का ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अदालत में एक याचिका दायर की है। अदालत ने उन्हें 9 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। आलिया भट्ट ने परांदा सॉन्ग में अपना म्यूजिक वीडियो डेब्यू किया है, लेकिन अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस महवीश ने आलिया पर गानों को चुराने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये बहुत ही अजीब है कि एक तरफ तो बॉलीवुड पाकिस्तान को गालियां देता है, दूसरी तरफ हमारा गाना चुराता है। महवीश इससे पहले भी बॉलीवुड स्टार्स को निशाना बना चुकी हैं। आलिया भट्ट और सलमान खान की फिल्म इंशाअल्लाह बंद होने के बाद आलिया भट्ट को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि आलिया ने इंशाअल्लाह के लिए आमिर खान की फिल्म छोड़ दी थी, क्योंकि वो भंसाली के साथ काम करना चाहती थी। सोर्सेस की माने तो आलिया को आमिर खान की फिल्म ऑफर हुई थी। सलमान खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 31 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सलमान ने अपनी एक क्यूट सी पिक्चर शेयर की है। उन्होंने इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को थैंक यू, जिन्होंने मेरी जर्नी को इतना शानदार बनाया। उनकी इस तस्वीर पर फैंस भी फनी रिएक्शन दे रहे हैं। बॉलीवुड में इस समय बायोपिक फिल्मों का प्रचलन आ चुका है, और अब समय है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोपिक का। वाजपेयी जी पर लिखी एक किताब द अनटोल्ड वाजपेयी के राइज अमाश फिल्म्स के शिवशंकर और जीशान ने खरीद लिए हैं, जिस पर वो जल्द ही फिल्म बना सकते हैं। अक्षय कुमार लंदन की सड़कों पर सैर करते नजर आ रहे हैं। अक्षय के साथ उनकी मॉम है, जो व्हील चेयर पर हैं, जिन्हें लेकर वो सैर पर निकले हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि शूटिंग शेड्यूल के बीच वक्त निकालकर माँ के साथ लंदन में, ये मायने नहीं रखता कि आप जीवन में कितने व्यस्त हैं।